तेरा नाम है मोहब्बत। मुझे बीच में आने की जरूरत ही समझ आई ना, वो तो उस बदमाश राकेश भाई की वजह से लगा कर गई है। क्या क्या गुंडा लगूंगा तेरा भाई लगता है? भाई लगा? वो क्यों मेरा भाई लगने लगा? वो तो बस यूं ही मुझसे निकल गया था। अकेले होते हैं ना इसलिए। इसका मतलब है तुम आज भी बाहर नहीं आओगी? अम्मा मना करती है ना। ये बताओ तुम मेरे लिए सिपारी लाए? नहीं आज नहीं लाया। सही है भाई सही है। अब तो तुम भी कंजूसी करने लगे हो। मजाक कर रहा हूँ। ये हुई ना बात। सुनो तुम झूले पर आओगी? अम्मा ने छोड़ा तो धीमी धीमी सी थोड़ी अनकही थोड़ी सी मुस्कुराती दो दिनों की है इजाजत। मेरा नाम दो दिलों। मेरा ख्याल है इनको तो आप दोनों जानती हैं। इनको तो बहुत अच्छी तरह जानने लगी हूँ मैं, बल्कि आपकी वजह से इन बहुत अच्छी तरह जान पहचान है इनसे। तो आपका वही जिनसे भाईजान के रिश्ते की बात की थी उनकी अम्मा है। अच्छा अच्छा प्रजिया बहन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देखिए हमारे लायक कोई काम हो ना तो जरूर बताइएगा। जी वो दरअसल इनके साथ एक मसला पेश आ गया था इसलिए मैं इनको लेकर यहाँ आई हूँ। मसला? ऐसा कौन सा मसला है बताइए। बस जी वो हमारे मोहल्ले में कुछ बदमाश लड़के हैं जी, वो उनकी मेरी बच्चियों पर नजर है और हमें धमकियाँ देते हैं कि उनको उठा ले जाएंगे। बहुत ही परेशान किया जी उन्होंने। नहीं इनके कहने का मतलब ये है कि आप ज़रा भाई रफीक से कह के थाने में किसी को कह दें और उन बदमाशों को थाने की सैर करवा दें। हाँ हाँ ये कौन सी बड़ी बात है, बल्कि ये तो बहुत इत्तेफाक की बात है कि भाईचंद घर पे ही मौजूद हैं और मैं उनसे कह देती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी SSP SP DSP उनके मुरीद हैं वो। मैं अभी उनसे बात करती हूँ, अभी कह के आपका मसला। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया की क्या बात है, अब तो एक ही बात है ना। हैदर 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 जी भाई क्षमा देगा, क्या बदतमीजी की तुमने? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की भाई। अबे झूठ बोलता है तू अब मुझसे? हाँ नहीं नहीं भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो क्या खामखा वो तेरी शिकायतें मुझसे करती फिर रही है? सच बता दे तूने उससे क्या कहा है, वरना मैं तेरा वो हसर करूंगा कि तू मुझे याद रखेगा, समझा तू? तो मुझे भैया भैया मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपकी शादी के बारे में। मैं शादी करूँ या ना करूँ तुझे क्या तकलीफ है? अबे तुझे घर में कोई तंग कर रहा बता? अबे शुक्र अदा कर, मैं चाह रहा हूँ इस घर में कोई काम काज करने वाली आ जाए, समझा नहीं तू? अबे मैं तेरी भलाई का सोचता हूँ और तू मेरा बाप बना फिरता है। अबे अपने आप को कंट्रोल में रख, ढक के देखे निकाल दूंगा, समझा तू? और हाँ एक बात तू कान खोल के सुन ले, अगर तुझे इस घर में रहना है तो शराफत से रहे, वरना जहाँ तुझे दो वक्त की रोटी मिलती है वहीं चला जा। बे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी समझे? और हाँ सुन मैं जा रहा हूँ अपनी शादी की बात पक्की करने, समझे? Thank you.
कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं कि मेरा भी दिल है, मैं भी रिजवाना से मोहब्बत करता हूं और मेरी भी शादी की उम्र है, लेकिन भैया को न जाने क्यों समझ ही नहीं आता। अपनी फिक्र तो है लेकिन कभी पूछा तक नहीं कि कुछ मैंने भी अपनी जिंदगी के बारे में फैसला किया है या नहीं। भाईजान वो अपनी रजिया चाची आई हैं, बहुत परेशान हैं, उनके मोहल्ले में दो बदमाश रहते हैं, उन्होंने बड़ा परेशान कर रखा है उन्हें। तो मेरे सामने ये किस्सा क्यों छेड़ रही हो, मैं कोई पुलिस में मुलाजमत थोड़ी करता हूँ। बेशक आप पुलिस में मुलाजमत नहीं करते, लेकिन ऐसे चोर डीएसपी किसी से कह के उन लड़कों को थाने तो भिजवा सकते हैं। किसी की बहू बेटी की इज्जत का सवाल है भाईजान। एक बात तो बताओ, तुम्हें इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो वैसे अगर उस खातून को इतने ही ऊंडों ने परेशान कर रखा है तो वो खुद जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाए, मुझे इस मामले में उलझाने की क्या जरूरत है? भाईजान मोहल्लेदारी भी कोई चीज होती है। इससे पहले तो तुम्हें कभी मोहल्लेदारी का इतना ख्याल नहीं आया। बहरहाल आप मेरे साथ बाहर चले और चाची की जबानी खुद उनकी बात सुने कि वो कितनी परेशान है। देखो आप दा मैं ओ भाईजान, आप हम बहनों की छोटी सी बात नहीं मान सकते, प्लीज। अच्छा चलो आइए, अब इतना मुंह बनाने की भी जरूरत नहीं है। दिल में एक सारा दिन चल। अरे दिल में लहर सी। मेरा नाम है बोल। काम है तो आया हूँ। तो बोल ना, सुन रहा हूँ। करीम भाई ने भेजा है। अरे चाची आप तो इन्हें अपना बेटा समझ के हुक्म भी दे सकती हैं। देखिए जो कुछ मुझसे हो सका मैं करूँगा। मैं थाने फोन कर देता हूँ, जो कुछ हो सका आप। तो ठीक है ना, मैं अंदर जाऊं बाहर जाऊं, खेलूं कूदूं नाचूं, तुम्हें इससे क्या? और अगर तुमने अम्मा से ज्यादा शिकायत लगाई ना मेरी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई ना? चाय बना मेरे लिए। मेरा नाम